जैसा कि 19 तारीख को सभी समाचार पत्रों की प्रमुख खबर थी कि शिक्षा विभाग में दो नंबर की अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सोनिया जी ने निदेशक उच्च के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके आरोपों में प्रमुखता ये था कि मुझसे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो पावर्स है वो छीन ली गई है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जैम पोर्टल पे वो विभाग के ऑफिशियल बायर्स है, उनके नाम पे ही सारे ओटीपी आते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल रजिस्टर्ड है, यहां तक कि उनसे ओटीपी मांग लिया जाता है जिस तरह से उनका कहना है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि इस विषय पे जो है उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सीधा सीधा छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा विभाग का जो भी बजट है वो बच्चों की भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए आता है। बड़ा दुख होता है कि हम इससे पहले भी एक छात्रवृत्ति ढाई करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले का एक दंश जिसको हम अभी भी झेल रहे हैं, हम उससे भी बाहर नहीं निकले हैं। और एक अभी एक दोबारी सी विभाग के अंदर एक हलचल आई, विभाग के नंबर दो के अधिकारी ने विभाग के निदेशक के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, उनकी लिखित शिकायत भी की है। पता नहीं कितना उसमें सच्चाई होगी उस मामले के ऊपर, उनके अनुसार कितनी परचेजिंग हुई है, कितनी खरीद फरोख्त हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ है, क्यों उनको साइडलाइन किया गया है, इसकी सत्यता की जांच जब होगी तब ये सारी बातें सामने आएगी। हिमाचल राज्य छात्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि ये संगठन हमेशा ही शिक्षक और शिक्षार्थी हित में अपनी आवाज उठाता रहा है, मुद्दों को उठाता रहा है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, क्योंकि दोनों ही स्वच्छ सभी के व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले में जो इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और ये उच्च स्तरीय जांच तब तक संभव नहीं हो सकती है जब तक निदेशक महोदय जो वहां पर कुर्सी पे बैठे हैं उनकी जगह जो है कोई वहां पे अस्थाई तौर पे कोई निदेशक वहां पे नहीं बैठाए जाए, क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो है उनकी कस्टडी में है। हम तो सिर्फ इतनी मांग करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि दूध का दूध पानी का पानी सबके समक्ष आना चाहिए, क्योंकि पहले भी छात्रवृत्ति घोटाले में इस तरह की ढील बरती गई और एक बहुत ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ 250 करोड़, बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि इतना बड़ा घोटाला पहली बार शिक्षा विभाग के इसमें हुआ है। तो हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा भी कोई इस तरह का शिक्षा विभाग के ऊपर कोई कलंकित कोई इस तरह का कारनामा हो या कोई हमारे को कोई शक की नजर से देखे, इसलिए हम अपना कर्तव्य समझते हुए इस मांग को करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद।